अपने घर से आ गई। अरे घर से तो जरूर आते, लेकिन ये इस यहाँ पे कैसे आ गई? यहाँ पे? अरे हाँ उस्ताद, ये गोल्ड आता ना चर्च है ना, उसमें सीनर चल रहा है। सीनर? ये चिंदा है जी, सीनर है चिंदा है। ये बहुत बड़ी धर्म सभा होती है। लेकिन तुमको इसकी जानकारी कहाँ से मिली? मेरे को जिम्मेवारी में पड़ा था। अरे ये तो अनपढ़ है, तो तुम कैसे पढ़ेगा ये बताओ? मैं अनपढ़ हूँ। अरे अनपढ़ है इसलिए तो मेरे साथ जमुरागिरी करते हो ना? वो तुम्हारे साथ जमुरागिरी करता हूँ तो इसका मतलब मैं अनपढ़ हूँ? बिल्कुल। अरे नहीं नहीं ये? मैं अभी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। वाह वाह वाह, ये बीए या काका काका? एक बात है, हमें तो पता है कि सीरियल वगैरह है यहाँ पे, तो आज हम नाटक करने के पहले यहाँ पे जाके देखते हैं सही में ये सीनर में क्या होता है। ये सही कहा होता है, ऐसा करते हैं कि नाटक तो बाद में दिखाएंगे, पहले नाटक ये के बाद खाएगा कैसे, तो पहले सीनर दिखाते हैं ना, फिर आके दिखाएंगे। अच्छा अच्छा चलो चलो। We are going to begin the scenery, so you are most welcome. And now the mass is ended, go and join the scenery. So, meri duty to khatam. Yes!
ईसाइयों का मानना है कि ये हमले
बजरंग दल ने करवाई है। आइए और जानकारी लेने के लिए चलते हैं बजरंग दल के ऑफिस। नमस्कार, हम पहुंच गए हैं बजरंग दल के ऑफिस। आइए हम नेताजी से कुछ सवाल आते हैं। नमस्कार जी, हम आपके नेताजी से मिलना चाहते हैं। नेताजी से मिलना चाहते हैं? हाँ जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कानपुर से, मेरी तरफ से। अच्छा, मीडिया से आए हैं। अच्छा अच्छा, नेताजी से मिलना होगा आपको। अभी मैं एक मिनट जरा उन्हें खबर करके आता हूँ। नेताजी, नेताजी, मीडिया वाले आ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। हम आपसे पूछने आए थे कि कल चर्च पर कुछ हमला हुआ था, इसके बारे में आप कुछ चाहते हैं? हाँ देखिए, ये चर्च पर हमला हुआ है, इस पर बहुत दुख है। हम बजरंग दल वाले बहुत दुखी थे क्योंकि ईसाई हमारे भाई बंधु हुए, इसलिए हम बहुत ही दुखी हैं इसके। मैं ये पूछना चाहती थी कि वो हमले क्या आपने, मेरा मतलब वो कहते हैं कि ये हमले शायद आपने करवाए। देखिए सरासर एक नायक था भी हमारे साथ। देखिए पहले की बात, हमने ये हमला नहीं कराया क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता गुजरात में जो मोदी साहब की जो गौरव यात्रा है उधर गई है। मुझे दो बंदे कैसे जोड़ सकते हैं आप ही उन्हें? हाँ सही, सच में सच में। पर वो कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है इसको कि आपने करवाया। सबूत? कैसा सबूत? अरे देखिए, दो बंदे क्या चर्च को तोड़ेगा, वैसे भी सारे कार्यकर्ता उनको तो ट्राई कर लेते हैं। देखिए ये बात गलत है, और मुझे वैसे भी मुझे लगता है कि ईसाई वो अलग अलग ग्रुप है, गुट अलग अलग गुट होते हैं, और एक गुट ने दूसरे गुट पे हमला कर दिया है, सारा का सारा जोश हमारे पर। कुछ ना कुछ नहीं, नहीं छोड़ी है पूरे कुलों का, और मुझे कुछ नहीं कह रहा। जय बजरंग बली, जय जय बली। यहाँ सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हकीकत क्या है जानने के लिए आप देखते रहिए कानों से। नमस्कार। Why is this enough?
कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, जो कहा बिल्कुल सच कहा। वैसे भी प्रेसिडेंट मैं हूँ, तुम नहीं। मुझे पता है किस समय पर क्या कहना है और क्या नहीं। मैंने कितने सेमिनार, कितनी मीटिंग अटेंड की है, तूने नहीं। जब देखो चकार चकार करता रहता है। अभी बताता हूँ। Yeah.
अंगूठा मैं हूँ अंगूठा मैं हूँ अंगूठा सबसे छोटा सबसे मोटा मैं हूँ अंगूठा मैं हूँ अंगूठा हमारे देश का पास हमारे देश का प्रेजेंट हमारे देश का फ्यूचर मुझी से है साठ पटिया हमारे देश की किसके जैसी है अरे नहीं पता मेरे जैसी है यानी अंगूठा के किसके पंजे का सबसे उत्तम सबसे प्रथम मैं ही हूँ मैं इन सबको संभालता हूँ मैं इन सबको संभालता हूँ मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ the great I am the great I am the great बल्ले 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 आप जानते हैं मैं कौन हूँ मैं आपका मिडिल फिंगर हूँ I am the tallest and the proudest और आप जानते हैं कि मेरा महत्व क्या है जब आप पेंसिल लिखते हैं नॉवेल लिखते हैं ऐसे लिखते हैं या होमवर्क ही करते हैं तब मैं आपको सपोर्ट देता हूँ लिखने के लिए और आपका पंजा मेरे बिना अधूरा लगता है आप देखो कितना सुंदर है इसलिए मैं हूँ सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान मैं हूँ बल्ले बल्ले मैं हूँ बल्ले बल्ले छोटा काम है यार
हमें एक होकर इसका पत्ता हटाना चाहिए था, लेकिन आप लोग तो अकेले अकेले अपनी ताकत दिखा दी, उठ गया पत्ता। लेकिन अब भी तुम्हारे भेजे में कुछ घुसता है या नहीं, अब भी हम एक नहीं हो सकते क्या? अरे चलो हम सब भी बताते हैं। अरे मुझे जब भी देखो फिलोसफी जानते रहते हैं, एकता की बात करते रहते हैं, हमसे तो अलग रहता है, हम चार तो एक साथ है, तू ही अलग है, और तू भी फिलोसफी जानते रहता है। जा मेरी बात की बात। माना माना कि मैं हमेशा अलग रहता हूँ, अलग रहता हूँ मैं, लेकिन जब मैं आप लोग के ऊपर आ जाता हूँ ना, तो आप लोग की शक्ति दो गुना हो जाती है, दो गुना। देखा सही बात कह रहे हैं, चलो यार एक बार मिलकर उठा के देखते हैं एक बार। मैं तो उसका साथ ही देती, मैं भी निकल देता था। अरे यही दिखाने के लिए मैं बुलाया तुम लोगों को? अरे आके बोलो मैं सबसे लंबू हूँ, सबसे महत्वपूर्ण हूँ। अरे तुम अकेला किसी के मदद से आ पड़ा नहीं ना? और अरे तुम अनामिका, मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ। आई एम द ब्यूटी। और तुम किसी के साथ मदद नहीं दे सकती हो, अकेले में अपना शोर दिखाते हो और एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हो। अरे तुम्हारी सुंदरता किसके लिए बताओ? जब तक तुम दो दूसरे की मदद नहीं कर सकते हो, और तू अरे तुम्हारी उंगली पर दुनिया नाचती है ना, लेकिन तू एक दूसरे के साथ नहीं दे सकते हो। जहां पे ज्यादा शक्ति है वहां पे मिल जाते हो। अरे क्या फायदा है तुम्हारी शक्ति में, क्या फायदा बताओ? अरे बुड्ढे तू तो पंजे को मुट्ठी बना ले तो शक्ति रोकना पड़ा रहा था। लेकिन जब आप तुमने कभी कोशिश किया इस पत्थर को उठाने में? देखे बड़ा नाटक देखा ना। अरे तुम लोगों से कोई फायदा नहीं तुम्हारी इस ताकत से शक्ति से। और तू छोटी कनिका, मैं बच्ची हूं ना। अरे तू अपने आप को संभाल नहीं पा रही, और तुम घर तो कैसे संभाल रहे हो के दूसरों की तरह? अरे कम से कम एक साथ आने की कोशिश करो, एक साथ आने की कोशिश करो, अपनी महत्व बता के मत दूर मत खड़े रहो दूसरे की मदद करने के लिए। तुम लोग एक साथ नहीं आ पा सकते, देखो तुम्हारे शक्ति में महत्व में अरे कोई फायदा नहीं है। अरे कम से कम एक साथ आकर इसकी मदद करो, मेरी मदद करो। चलो भाई लोग आप देख रहे हैं। अरे करो एक साथ मिलकर। हाँ अरे सच में भाई साहब एकता में तो बहुत शक्ति होती है।
खंबे में या तो उसका बल्ब फ्यूज होता है या ट्यूबलाइट उड़ी होती है। अरे मुझे निकालो यहाँ से। लेकिन किसी को मदद तो करनी चाहिए। अरे ये बहन तो पागल हो गई, बाहर इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं मैं और पास के हॉल में क्या गोविंद क्या मूवी लगी है मैं तो उस फिल्म को देखने जाऊंगा। क्या गोविंद ने क्या डांस किया, दिल खुश हो गया। बहन जी अगर मैं इस टीचर में घुसूंगा मेरे कपड़े गंदे लगे, मेरे साथ कोई बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा, मेरे पास मेरे बदबू भी आएगी, कोई नहीं बैठेगा। इसलिए बहन जी आप निकालो, मैं तो फिल्म देखने जा रहा हूँ, बड़ी मस्त मूवी है। ए भाई साहब गाड़ी के अड्डे हो के यार, हां तो फिर हम भी चलते हैं। चलो भाई साहब, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? अरे कोई तो मुझे लिया होगा, कैसे निकल गए लोग? अभी तो आनी चाहिए बाहर। हां आइए भाई साहब। अरे हां हां, अरे मैं, अरे मैं तो बिल्कुल बचाऊंगा, मैं क्रिश्चियन जो हूँ, मैं ईसाई जो हूँ। ओह यानी बचाएंगे? हां बिल्कुल, अरे ये तो मेरा फर्ज बनता है। लेकिन क्या हुआ? नहीं वो क्या है ना कि आज संडे है। संडे से गुड डे? नहीं संडे तो है पर आज सबत का दिन है। इसलिए तो क्या हुआ? अरे सबत के दिन तो भगवान भी आराम करते हैं, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? लेकिन भाई साहब इसे बचाना तो होगा। नहीं और वैसे भी आज चर्च का टाइम हो रहा है। अरे बाप रे लेट हो गया ना, प्लीज लो प्लीज लो। अरे सुनिए बहन जी। हाँ जी। हाँ जी सुनिए। हाँ मैं सुन रही हूँ। अरे देखिए अगर आप हफ्ते के और किसी दिन गिर जाए तो जरूर बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। या कोई तो आने चाहिए ना? अब बिल्कुल। तोबा तोबा अल्लाह अल्लाह, ये तो मेरे को नमाज जाना का टाइम हो गया, अभी तो मेरे को मस्जिद जाना है। बहन जी आप ऐसे कीजिए 3 बजे के बाद आप उधर आ जाइए मस्जिद में, मैं जरूर वहां पर होगा। मैंने तो लंगर चक्कर जाना थी, ऑलरेडी मैं लेट हो गया। अरे कैसे कैसे लोग हैं बहन जी, मुझे निकालिए यहाँ से, आप लोग तो मुझे निकालिए। एक ही करके सारे ही निकल गए, बचे के बचे हम दोनों रह गए। आइए मदद करिए। हाँ जरूर, पर पहले आप मुझे बताइए आपने मुझे कहीं देखा है? देखा तो नहीं आपको? नहीं देखा? बेइज्जती कर दी बदतमीज, रोज फ्रंट पेज पे मेरा फोटो छपता है, बड़ा बड़ा इंटरव्यू आता है, कहती है नहीं देखा। Idiot. पता है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया है सोशल वर्क में, लंदन से मुझे स्कॉलरशिप मिला है सोशल वर्क पढ़ने के लिए, और मैंने इतना बड़ा थीसिस लिखा है, बुक्स लिखे हैं सोशल वर्क पे, कहती है मुझे नहीं देखा, बेइज्जती कर दी। और इतने थीसिस लिखे हैं, आज पहली बार प्रैक्टिकल का मौका मिला, पर मुझे वहां लेक्चर देने जाना है नवीन तांबी। अच्छा, वहाँ मुझे विमेंस लिबरेशन, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट एंड कम्युनल हार्मनी पे लेक्चर देना, तीनों पे। और मुझे ओह माय गॉश आई एम ऑलरेडी लेट, मैं जल्दी हूँ वरना मैं एकदम लेट हो जाऊंगी। लेकिन सुनी तो सही, आपने तो सोशल वर्क किया हुआ है, आपको तो अभी एक बार अच्छा मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, आइए मदद करिए। एमए सोशल वर्क में मैंने किया है या आपने? आप ही ने किया है। तो फिर निकालिए इसे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे सोशल वर्क कैसे करना है, कोई तो मुझे निकालो। सारे एक एक करके निकल गए। ओए क्या कर रहे हो अबे? एक औरत नीचे गिरी पुलिस गड्ढे में। हां औरत नहीं गिरी तो क्या दिल्ली पुलिस गड्ढे में गिरेगी? क्या बात कर रही हो? मैं तो बस मदद ही कर रही थी उसे। मदद करने वाली तू हो जाती है, हाथ में अपना कानून पकड़ के गा दो, चल फट बजाऊंगा मैं कान के नीचे, चल फट तेरी के। अरे दरोगा जी। हां बोलो। मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए। ये इसकी गलती। क्यों गिरी? इसकी गलती क्यों? और देखा कहां बैठी है? अरे पानी वाला पाइप के ऊपर बैठी है, और क्या करेगा वहां पे? बैठ के पाओ पाइप को सुराख करेगा, फिर जगह डालेगा, फिर आप पूरा दिल्ली में भैंसा बना देगा, है ना? और हो सकता है यहाँ बैठ के सुरंग लगा के हमारे पार्लियामेंट मंदिर तक जाएगा, बम ले जाएगी, और भी हो सकता है ये हमारा अयोध्या वाली जो लाई मंदिर बन ले रहे वहां पे ये बम लगने लगाने वाली से कोई जासूसी वासूसी तो लगता तो है सही, आईएसी से कोई एजेंट नहीं है? अरे मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब औरत हूँ। गरीब है तो घटे में पड़े हो। हाँ क्या नाम है तेरा? रानी है हुजूर। रानी, वाह क्या नाम रखा है। हाँ चलो, हाँ फट फट ये चला रहे समझे, ये 5,000 रुपए लेके कल सुबह ओखले वाले थाने पे आ जाना, ठीक है? पढ़ ले। पर हुजूर मैं बाहर निकलूंगी।
अरे लोगों को गड्ढे में गिराना और चिल्ला देना वो हमारा काम है दिल्ली पुलिस का, बाकी सब तुम्हारा, समझे? और उतना है तो एक काम करो, तब का एक पता निकालो। अरे पता निकालो, बड़ा बड़ा फिर भी निकाल देता हूँ। आपको पैसे कहाँ से दूंगी? हाँ तो पढ़े जाओ, मेरी मदद की। चल पढ़े जाओ, कल जाने सुधारे आ जाना। अरे कोई है, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो, कोई मेरी आवाज सुनता है। जय श्री राम, मैडम जी इधर कोई बस नहीं। अच्छा आज
आशीष नेहरा को चोट, आशीष नेहरा को चोट, और अमित भंडारी को बुलाया गया आज की तरह खबर, और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेटा उतरी आज की तरह खबर, मैडम आज की तरह खबर, आज की तरह खबर, मैडम आज की तरह खबर, आज की तरह खबर, एक है सर बिल्ले, नहीं नहीं ठीक है रख रहे, आज की तरह खबर, आज की तरह खबर, आज की तरह खबर, क्या खबर है दिल्ली का, क्या हाल है? ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट को बेदर्दी से मारा गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के सामने, और इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन अप्रैल और मई में कराएगी। वैसे तो ये सरकार मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, मेरे मिडिल के हायर मिडिल क्लास लोग हैं ना, और स्पेशली मैं जूलर, इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, गोल्डन कोड फ्री कर दिया और इनकम टैक्स कम कर दिया, ऐसे चलता रहा तो मेरे बिजनेस के चांदी चांदी। ये सरकार एक बार और आ जाए तो मैं ताजमहल खड़ा कर दूंगा, ताजमहल। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं यार, तभी तो बस स्टॉप पे खड़े हो। अरे ये तुम छोड़ो, मेरे दो दो गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी गैरेज में पड़ी और दूसरी श्रीमती जी गई। अरे तुम लोग गाड़ियों की बात करते हो, पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, आलू प्याज के भाव देखो, लगता है कि गहने उतार के बस उनको ही पहनूं आलू प्याज को, क्या खान तरक्की कर रही है देश, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू नो हाउ मच तरक्की हुई है देश में, क्या खान तरक्की हुई है, करप्शन इतना बढ़ गया है। ओह यस नाउ आई रिमेंबर, मेरी मौसी ने घर लिया था, 70,000 स्टैंप ड्यूटी पे किया, लेकिन पता चला वो तो दिल्ली का नकली स्टैंप था। कौन है वे साला, बस स्टैंड ना हुआ, मीटिंग का पॉइंट हो गया, चुनाव चुनाव चुनाव, जिसको लगा चुनाव में लगा, तो चुनाव नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। ये बिल्कुल सही कह रहा है, वही क्या कह रहा है लफंगा यार। व्हाट आर यू गाइस, व्हाट डू यू नो, यू नो यू गाइस इट्स डेमोक्रेसी, वी शुड ऑल गो एंड वोट, वोटिंग इज सच एन इंपॉर्टेंट राइट। क्या वोट, मैं हूं बिजनेसमैन, मैं रहता हूं बिजी, और वैसे भी कौन लगे रहे एक घंटे लाइन में, इतने में दुकान पे बैठो, गोल्ड बेचो, पैसे कमाओ और पैसे कमाओ, और क्या। अब तुम हो पढ़े लिखे अनपढ़, मैं बताओ मुझे देसी और पैसा मिल रहा है तो ही वोट दूंगा, अदरवाइज तो टान के सोऊंगा। सबको क्रेजी समझ के रखा गया, उस दिन छुट्टी वाला दिन होता है तो मैं तो आराम से सो के उठूंगी, आराम से सो के उठूंगी, बच्चों और पति को पकवान में खिला खिलाऊंगी, मैं कोई भोगी देने वाली, उस दिन सोना है मुझे तो। लकी है यार लकी, और तुम तो बहुत बोलेगी, क्या तुम वोट दोगी? एक्चुअली मेरा उस दिन नाइक शाह, हां हां ये पैसा है, बस हमारी बस आ रही है शायद, और मैं जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ मैं
नदियां बहा दूंगी। बोलो मैना देवी की जय। मैना देवी की जय। जगी बजी तगी मैना देवी जीतेगी। बजी तगी मैना देवी जीतेगी। आपके पिताजी तोताराम जी आपकी समस्या को लेकर आपके सामने उपस्थित है। आपकी पानी की समस्या, आपकी बिजली की और आपकी रहने की समस्या, ये सारी समस्याओं का समाधान हमारे तोताराम जी करेंगे। तालियां। अब मैं चाहता हूँ तोताराम जी से और दो मुंह वाली बातें ना बोल करके सिर्फ दो शब्द कहें। तोताराम जी तालियां। धन्यवाद 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 भाई। देखिए आप लोग यहाँ आए भाई, हमार तो दिल खुश हो गया। भाई देखिए हम मंदिर मंदिर तो नहीं बनाएंगे भाई, इस देश को जरूरत है आर्थिक विकास की। तो भाई हम आपसे वादा करते हैं हम इस देश में विकास अवश्य कराएंगे। और भाई हम आपसे निवेदन करते हैं, देखिए जिस तरह से आप लोग यहाँ आए उसी तरह से वोटिंग के दिन भी जाइएगा और हमारे चुनाव चिन्ह के आगे ही वोट दीजिएगा और हमें सक्सेस कीजिएगा। भाई हम कहते नहीं है, हम तो करके ही दिखाएंगे। जीतेगा भाई जीतेगा, तोताराम जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, तोताराम जीतेगा। तोताराम तोताराम। ये जो निशान देख रही हूँ
इसी निशान के पास वाला बटन तुम दबा देना। अरे सुनो भाई, देखो ई चुनाव चिन्ह के आगे उधर जो बटन है उसका ही दबाना भाई। अरे अरे अरे, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए मंदिर का निर्माण करवाऊंगी, मंदिर का। इधर मंदिर का चार डालोगे क्या भाई? हम तुम्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड देंगे। अरे अरे, तुम इधर आओ, अमिताभ बच्चन को जानती हो? अमिताभ बच्चन, वो भी ना ठीक इसी निशान के पास वाला बटन दबाएगा। कौन सा बटन दबाएगा? ये वाला बटन। अरे सुनो, इधर आओ, इधर आओ। देखो जी भाई, लंबू जी की तो उम्र हो गई रिटायरमेंट की भाई, ऐसे ऋतिक को जानते हो? हुई हुई, वो हमारे पार्टी का ई बटन के आगे ही बटन दबाता है। तो भाई तुम किसको वोट दोगे? यही बटन। शाबाश। इधर को आवा, इधर को। मैं ना तुम्हें पौवा दे दूंगी, रात को पीना, अटल हो जाना। सुनो भाई, देखो वो तुम्हें पौवा देंगे, हम तुम्हें बोतल देंगे, आराम से पीते रहना। अरे अरे अरे, इधर आओ, ये तो चोर है। अरे तू चोर है, लोगों के हत्यारे गिर जागिराए, देखो मस्जिद ढाए, गिर जागिराए, देखो मस्जिद ये ढाए, मंदिर भी इनके हाथों से बच नहीं पाए, मंदिर भी इनके हाथों से बच नहीं पाए। अरे बच्चों को जला कर ये कमीशन है बिठाए, बच्चों को जला कर ये कमीशन है बिठाए। अरे दंगों को भड़का कर उनकी जांच कराए, सौ सौ चूहे काके बिल्ली हज को चली, बिल्ली हज को चली। सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे। अरे तोता राम जी, ये तो लड़ रहे हैं। अरे मैना देवी, लड़ने दो ससुरों को भाई, निकलो निकलो निकलो। अरे तो हमारी लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है, भागो पुलिस केस, पुलिस भागो। अरे यहाँ कोई पुलिस नहीं आने वाली, क्यों? क्योंकि ये गरीब कोटर मरा है, आम नागरिक, कोई नेता नहीं। नेता तो वो भाग गए बड़े बड़े वादे करके, हम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, विकास की बड़ी बड़ी बातें। जब एक गरीब इंसान की थाली में खाना नहीं है, सर पे छत नहीं है, भूख लगेगी तो क्या मंदिर के पत्थर खाएगा या कंप्यूटर पे सर रख के सो जाएगा? और आप सब लोग जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये सब जान कर समझ कर चुप रहते हैं। अरे कब जागोगे आप लोग? तब जब वो हमारे पैरों के नीचे से जमीन छीन के ले जाएंगे तब जागेंगे आप, या तब जब वो हमारे सर से आसमान छीन लेंगे? अरे आप तो बहुत बिजी है ना। आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, आई एम वेरी बिजी, आई जस्ट डोंट हैव द टाइम। बहुत अच्छी बात है, नरम गद्दी बिछाइए और सो जाइए। अरे अब तो जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ये देश किसका है? हमारा है, आपका है, मेरा है। इस देश को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा बचाने के लिए। इस अंधेरे को हमें ही मिटाना है, इस अंधेरे को मिटाने के लिए शम्मा हमें ही जलानी है। अगर हो सके तो कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। क्यों कर रहे हो आंधिया रुकने का इंतजार, क्यों कर रहे हो आंधिया रुकने का इंतजार? आइए
सकी।